चैनल, दिस इज मी राज बिशोदिया। एंड गाइस, आज मैं जा रहा हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग जंक फूड के लिए। मतलब मुझे जो जो चीज़ें पसंद है ना, आप मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ यार, बॉडी बिल्डिंग के लिए जिंदगी इंजॉय करना नहीं छोड़ना, एक जिंदगी मिली है, सब कुछ खाओ सब कुछ पियो। तो क्योंकि वर्कआउट शुरू कर दिया है, आपको दिख रहा होगा भाई 10-15 दिन में वर्कआउट करूंगा, बॉडी शेप लेना शुरू कर देगी। लेकिन अभी डाइट मैंने शुरू नहीं की है, अभी तक मैं 4 महीने से जो खा रहा हूँ उल्टा सीधा सब कुछ खा रहा हूँ अभी भी। जब मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ अब बॉडी श्रेड कर लेनी चाहिए थोड़ी सी, तो मैं बॉडी श्रेड करने के लिए डाइट शुरू करूंगा, वो जो हमारी लो कार्ब डाइट होती है। तब तक अभी वर्कआउट भी करूंगा और थोड़ा कुछ खाऊंगा पीऊंगा भी, आपको भी दिखाऊंगा कि आपको ऐसे लगता हो झूठी बोलता है साला पागल बनाता है। तो आपको भी मैसेज देना चाहता हूँ, बॉडी बिल्डिंग के लिए पागल होना अच्छी बात है, डेडिकेटेड रहना अच्छी बात है, लेकिन एक जिंदगी मिली है, इसमें खाना पीना भी जरूरी है, सब कुछ खाना है, सब कुछ मजे लेने। तो चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ फुल डे ऑफ ईटिंग, कैसे कैसे खा रहा हूँ, क्या क्या खा रहा हूँ, जो मेरी फेवरेट चीज़ें, मुंह में पानी आ जाएगा आपके, 5 से 10 हज़ार कैलोरीज एक दिन में खा लूंगा। ठीक है, तो चलते फटाफट, लेट्स गो। तो गाइस देख रहे हो चमक लॉन्डे की, टाइड नेचुरल जैसा चमक रहा है। तो चलें यार, मेरा पहाड़ी इस गाड़ी में जाने वाले हैं क्या? हाँ, पागल है पगड़ी से क्या हो गया? इसमें ना बैठूं मैं, गंदगी देख रहा है इसमें। अबे बारिश होने वाली है, साफ हो जाएगी। चल बैठ फटाफट, तेरे लिए भी हम गालू साले। भाई ऐसा लग रहा है जैसे बुग्गी में जा रहे हैं, लेकिन चलो अंदर से थोड़ी साफ है भाई की गाड़ी, अंदर से फील नहीं हो रहा। बाहर से भी साफ थी, वो कल अखाड़े पे वर्कआउट किया ना, वहाँ बारिश से पानी भरा हुआ था तो वहाँ फंस गई थी गाड़ी, तो स्किट मार दी। थोड़ी देर में बारिश करा दूंगा, चमक जाएगी। मेरी बात हो गई है भोले बाबा से, बारिश होने वाली गाड़ी साफ हो जाएगी। तो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको सबसे पहली जो मैं मील लेने वाला हूँ। बड़ी तेज भूख लग रही है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। पहली मील ही जो मेरी होगी वो होगी पिज्जा के साथ, लेट्स गो। But now that I'm gone, you want me back. Yeah, I gave you everything. Gave you a diamond ring to watch it fall from your head. I don't wanna love again. Cause I'll be living with regret. तो गाइस ये पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद जो 15 मिनट का वेट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा जानलेवा होता है। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो कितने प्रिकॉशंस हैं, मतलब नोट दे रहे हैं तो सैनिटाइज करके ले रहे हैं, दे रहे हैं तो सैनिटाइज करके ले रहे हैं, और बहुत मास्क वास्क। यार एक गलती हो गई है, सॉरी सारे लोगों से, हम लोग अपना मास्क लाना भूल गए आज यार, घर पर रह गए। थोड़ा कम लग रहा कोई मेरा, देखो सुनो मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ या मैं तुम्हें कोई जंक फूड खाने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप कभी कभी ये सब खाते हो ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका हार्डवर्क अच्छा होना चाहिए। अगर आप हार्डवर्क कर लेते हो ना मेरी तरह, क्योंकि मुझे जब जुनून चढ़ता है हार्डवर्क करने का तो मैं पागल हो जाता हूँ, और जब नहीं करता हूँ तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तो 3-4 महीने से ऑफ था, अभी वर्कआउट करना शुरू कर दिया 2 दिन से, तो बहुत अच्छे से वर्कआउट करूँगा, मुझे पता है मैं मेंटेन कर लूँगा।
तो वही चीज़ मैं तुम लोगों को समझाना और सिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग सिर्फ जंक फूड खाते हैं ना सारा सारा दिन, उनका तो भगवान ही मालिक है, लेकिन हम लोग जो वर्कआउट करते हैं वो कभी कभी खा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और खाना भी चाहिए कभी कभी भाई, ज़िंदगी जीनी है। चलो ये सब ख़त्म कर दिया, लास्ट स्लाइस बचा मेरा पिज्ज़ा का आधा सा, अब मैं नेक्स्ट क्या खाने जा रहा हूँ भाई, तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। ठीक है चलो दिखा। गाइस ये है मेरी फेवरेट जलेबी और ये है रबड़ी, पूरे दिन के स्ट्रगल के बाद मिली है। जहाँ भी जा रहे थे कहीं जलेबी मिल रही थी, रबड़ी भी मिल रही थी, कहीं रबड़ी मिल रही थी, जलेबी भी मिल रही थी। दो लोग हैं मेरे साथ भाई, दोनों का सर खा लिया मैंने कि आज मुझे किसी भी हालत में जलेबी रबड़ी खानी है तो खानी है। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज पे था तब नहीं गई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, आप थोड़े दिन आए तो भाई जलेबी इंजॉय कर रहा हूँ। और अभी पता क्या हुआ, ये है मेरी आधी किलो जलेबी और ये मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ भाई। पहले भी मैं कई बार खाता था, स्टोरीज डाली है तो लोगों ने मुझे पूछा सर ये क्या है, दही है क्या, ये रबड़ी है, दूध दूध से बनती है रबड़ी है भाई। और अभी पता क्या हुआ, हम बीकानेर वाला में गए जलेबी ढूंढते हुए, वहाँ पे स्टोर बंद था, बाहर एक बॉटल रखी थी, तो आजकल लोगों क्या हो रहा है जो भी बॉटल दिख रही है सैनिटाइजर के ऊपर टूट के पड़ रहे हैं। ये जो वीडियो बना रहा ना पहाड़ी, इसने वो उठा के स्प्रे कर लिया, बाद में पता लगा वो कीड़े मारने की दवाई थी। पूरे हाथ पे यहाँ तक सैनिटाइज करके कह रहा भाई बदबू आ रही है। बाद में गार्ड ने बताया कि भैया ये कीड़े मारने की दवाई है जिसको आप सैनिटाइजर समझे। तो भाई देख के जरा, ऐसा नहीं कहीं भी बॉटल दिख रही है तो उठा के लगाने लगे सैनिटाइजर, फ्री के चक्कर में बैंड बच जाएगी, तो थोड़ा देख के रहना ठीक है। तो भाई खाओ पियो ऐश करो, बॉडी बॉडी बनती रहेगी भाई। बॉडी बॉडी बनती रहेगी, जिंदगी जीनी भी है भाई, ऐश करो कभी कभी खा लो, कुछ नहीं होता भाई। तो भाई जलेबी खाए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, इन दोनों को ना मतलब मेरी प्लेट में मुंह मार रहे थे, मैं कहा भाई मेरी प्लेट में अलाउड नहीं है, बहुत दिनों में खा रहा हूँ, आधा किलो मैं अकेले खाऊंगा, तो इनको दिला दी आधा किलो अलग से, इन्होंने खा ली। तो ये जो जा रहा है ना, ये कह रहा भाई मुंह ज़्यादा मीठा हो गया और शरीर भी मीठा मीठा हो रहा है। कह रहा भाई भाई मोमो हरी चटनी भाई भाई शरीर भी मीठा मीठा हो रहा है, देखा शरीर मीठा मीठा हो रहा था, टिकटॉकरों के पास जा करा कुछ चटपटा खिलाओ शरीर। और क्लियर कर दूँ सारे लोगों को, कभी किसी को लग रहा हो कि मैं किसी को गुमराह कर रहा हूँ, मिसगाइड कर रहा हूँ, ये सब मैं रोज़ खाता हूँ, मैं रोज़ नहीं खाता हूँ, लेकिन जब मेरा मन करता है मैं मन मारता भी नहीं हूँ, सिवाय उन 3 महीनों के जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन पे होता हूँ तब मैं कर लेता हूँ कंट्रोल, मैं 3 महीने कर पाता हूँ। आधे लोग बोलते भी हैं कि फिजिक इतनी अच्छी रेडी कर लेते तो कॉम्पिटिशन क्यों नहीं खेलते, कॉम्पिटिशन इसलिए नहीं खेलता कि मेरा इन सब चीज़ों पर कंट्रोल नहीं है, 2-3 महीने कर सकता हूँ उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी हम खा रहे हैं मोमोज, ये जो मोमोज की चटनी है ना ये सुबह बहुत दुखी करती है, अभी तो खा लो जोर जोर में भाई, सुबह परेशान करती है, तो फटाफट खा लें। ये हमारा स्नैक्स चल रहे हैं, शाम को थोड़ा सा खाना खाऊंगा और फिर रात को डिनर करूँगा अपना, अच्छा रुमाली रोटी और मटन के साथ, ठीक है। तो अभी मिलता हूँ आपको अगले मील में, पूरे दिन खाऊंगा उल्ट सुल्ट। और आधे लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई कौन है, ये है हमारा इंडियन जे कटलर। थाई देख रहे हो भाई की मैं, थाई दिखाओ एक बार, एक सेकंड एक बार बॉडी दिखा दो। अभी नहीं, अभी मैं ऑफ सीजन चल रहा हूँ। कितने साल से वर्कआउट कर रहे हो मैं? मैं कर रहा हूँ 2 साल से, मुंह पर हैपट ऐसा मारूंगा। जितने साल से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ उतने साल से वर्कआउट कर रहा है, लेकिन भाई इसका वेट क्योंकि मेरा कंट्रोल है थोड़ा सा, इस बंदे का बिल्कुल कंट्रोल नहीं है, कुछ भी सारे दिन खवा लो 8 दिन में 10-12 फिर वही आना है, कहाँ आना है, वैसे हो जाना है, ऐसे कैसे हो जाना, टाइम बोर्ड कोई बात नहीं, खाओ पियो मौज लो। इसका नाम है इंडियन जे कटलर। इधर उधर जाएगा ना तो इसकी टांगे दिखाऊंगा आपको, तगड़ी थाइस
ठीक है, बात नहीं तो क्या हुआ। तो भाई सुबह जब हम निकले तो पहाड़ी कह रहा था गाड़ी गंदी हो रही है, मैं नहीं बैठूंगा इस गाड़ी में। तो गाड़ी कैसे चमक रही है ऐसे, तो गाड़ी कैसे चमक रही है देखो सारे। मतलब जी मूंछ दिखा दो एक बार अपने। अरे दिखा सही। ठीक है, मास्क भूल गए थे, मास्क ले लिए दोनों ने, और लेट्स गो। फाइनली सुबह से गए हुए थे, अभी घर आ गए हैं, पहाड़ी के घर हैं क्योंकि नॉनवेज खा रहा हूँ भाई। अगर ये नॉनवेज मैं घर में खा लूँ ना तो तुम ढूंढते फिरोगे कहाँ गया राजवीर सिसोदिया और कहाँ गया राजवीर फिटनेस सीरीज यूट्यूब चैनल। मेरी मम्मी बहुत कुर्राट है भाई, उनको पसंद नहीं है नॉनवेज, अंडा भी मेरे घर में अलाउड नहीं है। तो रात का खाना मैं बाहर ही खाता हूँ, अक्सर नॉनवेज ही खाता हूँ, लास्ट ट्यूजडे छोड़ के। तो अभी मैं खा रहा हूँ मटन और रुमाली रोटी, बाहर से लेके आए हैं। तो सारे लोगों को बता दूं सुबह से अनफिट खा रहे थे, तो अभी रात में कुछ ना कुछ हेल्दी खा लेते हैं। रुमाली रोटी और मटन है, बहुत हेल्दी है, उसके अंदर वो पाया जो होता है उसको हम सक करते हैं तो वो हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गाइस डिनर का टाइम हो गया, अभी इसमें जो खा रहा हूँ वो मैंने आपको दिखा दिया है। और क्योंकि 8 बजे सब कुछ बंद हो जाता है तो बाहर से लेके आए खा रहे हैं, 8 बजे ये खा रहा हूँ, 3-4 घंटे के बाद में मेरा भाई बादाम वाला दूध पीऊंगा। तो फुल डे ऑफ ईटिंग जंक फूड मैंने आपको दिखाया आज, तो गुमराह होने की जरूरत नहीं है। कभी मुझे कोई एक्सपोज करने बैठ जाएगी, मैं अपने चैनल पे लोगों को ये बोल रहा हूँ कि जंक फूड खाओ, इतना नहीं खाता हूँ डेली भाई। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें मैं खा लेता हूँ, क्या क्या चीजें मेरी फेवरेट है। अभी बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई है, वो कभी और दिखा दूंगा। गोलगप्पे खाना मुझे बहुत पसंद है, चाट खाना मुझे बहुत पसंद है, छोले कुलचे खाना मुझे, भटूरे नहीं कुलचे खाना मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारी चीजें मैं खा लेता हूँ जब भी मेरा मन करता है। और वही चीज तुम्हें समझा रहा हूँ कि बार बार बोल रहा हूँ, गुमराह नहीं कर रहा हूँ किसी को। कभी सोचो कि मैं ये सब खा के तुम्हें खाने को प्रमोट कर रहा हूँ, तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि तुम लोग भी ये सब खाओ। ये सब नहीं खाना, रेगुलर बेसिस पर नहीं खाना है, लेकिन हाँ कभी कभी तुम्हारा अगर मन करता है तो खा लो, कुछ नहीं जाता। बॉडी को हमें अंदर से स्ट्रांग बनाना है, अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करके जीना है। कभी मौत आए ना तो हम खुशी खुशी कह पाए कि यमराज जी ले चलो हमें, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली। आधे लोग भूखे रह रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे, ना चीनी खा रहे, ना नमक खा रहे, ना मटन खा रहे, ना बाहर का कुछ खा रहे। मैं नहीं करता हूँ भाई, मेरे ये फंडा है कि मैं नहीं करता हूँ। अभी मैं उतरा हूँ वर्कआउट पे दोबारा, सारे लोगों को पता है उस दिन से वर्कआउट शुरू कर दिया, तो वर्कआउट अभी कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद 1-1.5-2 महीने वर्कआउट करके अगस्त जाएगा, सेप्टेम्बर अक्टूबर से अपनी डाइट भी शुरू कर दूंगा, स्ट्रिक्ट डाइट लेनी शुरू कर दूंगा। तो वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि बॉडी बिल्डिंग के लिए पागल रहो, लेकिन इतना पागल मत रहो कि खाने पीने से दूर हो जाओ, जिंदगी जीने से दूर हो जाओ, अपनी लाइफ से दूर हो जाओ। तो यही था आज का मैसेज, आज का वीडियो।
लाइफ एंजॉय करो यार, बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में लाइफ को जीना नहीं छोड़ना। अभी बॉडी पे फैट है, अभी बॉडी पे फैट है, क्या हो गया? तो आधे लोग मुझे बोल रहे हैं भैया बॉडी खराब कर ली। कोई बात नहीं, बॉडी पे फैट है तो क्या हुआ, ये फेजेस है लाइफ के, इनको एंजॉय करना। अभी मेरी बॉडी फैट है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं, मैं सब कुछ खा रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है सब करने में। अपनी बॉडी को दोबारा से मैं श्रेड कर दूंगा, उसके लिए मैं फिर से कहते ना तपस्या, बिल्कुल सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ बंद कर दूंगा। तो वो कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि जब आप खा रहे हो तो आप खा रहे हो, और जब नहीं खा रहे हो तो नहीं खा रहे हो। भूखे रहने का भी एडिक्टेड नहीं होना है, और बहुत ज्यादा जंक खाने का भी एडिक्टेड नहीं होना है कि जंक पे उतरे तो जंक पे उतरे पड़े हो, फिर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। भूखे रह रहे हो तो भूखे ही रह रहे हो, खा नहीं पा रहे हो, दोनों चीज में हर कंडीशन में फ्लेक्सिबल रहना है, तगड़ा रहना है। तो यही कहना चाह रहा हूँ सारी चीज लोगों को। और जो लोग जंक फूड खाते हैं ना, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, सालों इतना पैसा लाते कहाँ से हो? आज का खाना 1,500-2,000 रुपये खा गया हूँ मैं। तो हर दिन अगर जंक फूड खाते हो तो 2,000 के हिसाब से भी लगाओ तो महीने का 60,000 रुपये इतना वेस्ट करते हो जंक फूड में। तो भाई कुछ हेल्दी खाओ, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाओ, अच्छा वर्कआउट करो, अच्छा कार्डियो करो, अच्छी वेट ट्रेनिंग करो, अच्छी ट्रेनिंग करो, अखाड़े वाले इतने सारे वीडियोज दिखाओ। कुछ फैट वैट कुछ नहीं है यार, बॉडी तगड़ी रहनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, यही बताना चाह रहा था कि जिंदगी जियो, मजे से जियो, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना टक्कर में, कहाँ फैट में डोले ना दिख रहे तुम्हें मेरे। बाय।